हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तो आप इंजॉय करें हमारे साथ। आयडा, वेलकम आयडा। वाह भाई वाह, आगे ना जल्दी भाई। Xavier, don't go there. इतनी गर्मी थी यहाँ पर, फाइनली वी गॉट अ रेन। तो उम्मीद है कि इस रेन के बाद इंशाल्लाह वेदर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, बट रूह खुश हो गई है आज रेन को देखकर, बारिश को देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी यहाँ पर, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसे क्या कहते हैं हम बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी यहाँ की सूरत हाल। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आई गेस अभी काफी रेन होगी यहाँ पर, अलग करे काफी हो क्योंकि मुझे रेन पसंद है। और ये है जी हमारा लो चैंप। ओए डोंट पुट देम डाउन, दे ऑल वेट नाउ। एग्जैक्टली, पिक देम अप, ब्रिंग देम इन, कम ऑन, यू मेक देम वेट नाउ। थ्री मुझे ये जो आवाज आती है ना, गड़गड़ 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 गड़गड़, लव इट। वो देखे जी एक सामने गोरी भी है, वो भी इंजॉय कर रही है, पता नहीं आपको नजर आ रही होगी कि नहीं। गोरी तो नहीं है, फॉरनर है, बिना चली गई। लेकिन बारिश देख रहे हैं आप, माशाल्लाह देख लेंगे। एग्जैक्टली, यू मेक इट वेट, डोंट डू इट बाबू। अल्लाह करे पाकिस्तान में वेदर अच्छा हो जाए, वहां पर भी सुना है कि गर्मी बहुत है, बारिश तो उधर भी हुई है लेकिन गर्मी कहते फिर भी बरकरार है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बारिश के बाद शायद वेदर में थोड़ी चेंजिंग हो जाए। चलो आ जाओ बेटा, कम ऑन आ जाओ। इसको बारिश इतनी पसंद है कि ये कहता है कि मैं तो बारिश में रहूं जब तक बारिश हो रही है। वैसे सुबह भी काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, हम तो सोए हुए थे, पता चला है हमारी लाइट भी चली गई थी, जब मैं सुबह उठी तो पता चला कि लाइट चली गई थी, लेकिन फिर वापस भी आ गई। सुबह 5-6 के दरमियान में आई थिंक हैवी तूफान था यहाँ पर, उस वक्त भी बहुत हैवी बारिश हुई है। तो आज स्कूल भी अर्ली बंद हो गए थे, एग्जेवियर आज जाने नहीं थे लेकिन इसकी क्लास भी बंद थी आज, तो कल का देखेंगे कल क्या है। कल इसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया, तो इंशाल्लाह इसका पहला दिन होगा स्कूल का और 1 घंटे की क्लास होगी, तो उसके साथ मैं भी जाऊंगी कल, हो सकता है परसों भी साथ में जाऊँ। फिर उसके बाद इसकी अपनी क्लासें होगी रेगुलर बाय ओन सेल्फ।
ये देखें जी इधर भी डोंट गो आउट साइड, डोंट गो आउट साइड, कम ऑन कम ऑन। बहुत ज्यादा बारिश है जी, मैंने फिर दरवाजा खोला और ये देखें इतनी बारिश है। ये देखेंगे ये हमारा लॉन्ड्री रूम है, वैसे देखे पानी कैसे गिर रहा है, बहुत ही ज्यादा बारिश है और बहुत ही मजा आ रहा है हमको, सीरियसली बहुत ही मजा आ रहा है। क्या कहते हैं कि दिल खुश कर दिया है इस बारिश ने, देखें जरा पानी पानी है सारा, पानी 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 पानी। अब जेबू का प्लान है कुछ ने बारिश में खेलना है, तो वो आप ही देखें क्या करता है। Like it? Mommy, yes. Yes. That blue one is missing, you know? Yes, yes. Yeah, we had to find him. Yes. You know why farmer took the wrong way? Why? Tell me why the wrong way. You tell me. You're supposed to wear boots today, rain boots. Okay, that's the rain. Huh? अभी जी हमने पहन लिए रेन बूट्स एंड हियर गोज। इसके डैडी इसको बारिश में नहीं खेलने देते, लेकिन हमारा तो बचपन ऐसे ही गुजरा है, हम बारिश में खेलते थे और मज़ा आता था, तो मुझे पता है कि मेरे बेटे को भी बहुत मज़ा आता है, तो मैं इसको खेलने देती हूँ थोड़ा सा। Right? You having fun? Yeah, I really have one. Look at my favorite one. The white one can see the rain. Yes. But this is the white one. Uh-huh. And I don't get sick. Yeah. But this one gets sick. Yes. You can jump in puddle too. Yeah, jump. You know how to jump? There he goes. Yay! Yeah, what about my vehicle? Not vehicle, only you. What about vehicle? Because they don't have boots on. Only you have boots on. They can go with wheels. Huh? I said they can go with wheels. Can you go? Okay. But they can really go right through. Mm-hmm. Look, like that. There we go. Yes. I like that. I think this one can ride boots too. Mm-hmm. But it's too late now. It is too late, yeah. Next time you need a ring. Okay. Very yes, yes, yes. और व्यूअर्स आपके साथ मैंने ये भी शेयर करना है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ ये जो वेट लूज के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, ये क्या पिए ये करें वेट लूज होगा, कुछ भी असर नहीं करता, क्योंकि मैं खुद वेट लूज करना चाहती हूँ, तो जो भी कोई रेमेडी बताता है मैं स्टार्ट कर देती हूँ, चलो जी ये करते हैं। बट लेट मी टेल यू, जब तक आप लोग डाइट नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। आपको हेल्प करती हैं ये चीज़ें, लेकिन आपको ये नहीं बता दे कि आपको डाइट भी करनी है, साथ में थोड़ा सा वॉच करना है कि ऑयली चीज़ें ना खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं, और साथ में एक्सरसाइज भी करनी है। विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट वॉच व्हाट यू ईटिंग, आप वेट लूज़ नहीं कर सकते।
ये अपने चैनल को बढ़ाने के लिए कर देते हैं जी, नो एक्सरसाइज, नो डाइट, लूज दिस मच दिस मच दिस मच, कुछ भी नहीं ऐसा। आपको देखना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है उसकी, कितनी मिकदार है, और साथ में थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, तो तब कहीं जाके आप वेट लूज करोगे। अदरवाइज आप चाहे जितने भी कहवे पिए, मैं पता नहीं कितने महीनों तक कहवे पी के, और मैं साथ में एक्सरसाइज भी कर रही थी, आधा घंटा एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन मैं ये नहीं देख रही थी मैं क्या क्या खा रही हूँ। जो कुछ भी मिला, जो मेरे बेटे ने छोड़ा वो मैंने खा लिया, तो इसमें मेरा वेट जो जैसा था वैसा ही था, कुछ भी लूज नहीं हुआ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके स्कूल टाइमिंग के दौरान मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाके तो हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जिम की मेम्बरशिप है, ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो वाई नॉट उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं वो करूँगी। साथ में मेरा बिगेस्ट जो सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम है कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि अल्लाह करे मेरा मैदे का जो साइज है थोड़ा सा छोटा हो जाए, ताकि मैं अपने खाने को देख सकूँ कि कम खाऊँ। विच वन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मुझे पता है अपना। तो मैंने पहले भी जब अपना वेट लूज़ किया था, उस वक्त मैंने 3 महीनों में मैंने 20 पाउंड लूज़ किया था, तो मैंने ये डाइट पर थी, मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी साथ में डाइट भी कर रही थी, तो तब जाके मेरा वेट लूज़ हुआ। कोई भी जंक फूड ना खाएं, ये जो तली चीज़ें ये ना खाएं, चिप्स वगैरह ये वो सब, सोडा वगैरह सब छोड़ दें। तो सोडा वह अभी मेरे घर में आता है, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है, ये पीता है सोडा, तो उसके साथ फिर मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी सोडा बहुत पसंद है। लेकिन अगर घर में चीज़ ना होगी तो आप ना पियेंगे। तो जो मेरी बहनें भाई जो भी चाहते हैं कि वेट लूज़ करें, तो कहवों के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या खा रहे हैं और कैसे अवॉइड कर सकते हैं तली हुई चीज़ों को, और ये जो जंक फूड हैं इनको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। तो दुआ करें मेरे लिए भी कि मेरा मैं भी कोशिश करूं, क्योंकि मुझे भी वेट लूज़ करना है। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, प्लस ये आपको बहुत ज़्यादा सुस्त कर देता है, आप कुछ काम नहीं कर सकते, हर वक्त एक थकावट ही रहती है, जिसम में थकावट है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी उम्मीद कर रही हूँ कि मैं अल्लाह मेरी मदद करे, तो मैं कर लूँ कुछ ना कुछ, देखते हैं क्या होता है। दुआ करें आप मेरे लिए। तो जी इसी के साथ हम चाहेंगे इजाज़त। एग्जेवियर अभी खेल रहा है, और बारिश फ़िलहाल के लिए बहुत कम हो गई है, आगे नहीं पता होगी और या नहीं। दुआओं में याद रखें, जा रहे खुश रहें, और हमारे लिए दुआ करते रहें। और ये तो अभी डन नहीं हुआ, ये तो अभी खेलेगा, जब तक पानी है तब तक ये खेलेगा, उसके बाद इसने शावर भी लेना है। यू टेक शावर? यस। अच्छा, इसको शावर पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, तो दुआ में याद रखें जी गाइस, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, एंड थैंक्स। अल्लाह बाय, अल्लाह हाफिज़।